खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जवा थाना क्षेत्र से आज एक सनसनी फैला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दो दिन पूर्व प्रशासन के द्वारा दफनाई गई महिला की लाश अचानक गायब हो गई, जिसके बाद महिला की पहचान करके आए परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का मानना है कि प्रशासन के द्वारा महिला के शव को दफनाया नहीं गया, बल्कि कहीं अन्यत्र फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें लाश नहीं मिल पा रही है। दरअसल रीवा जिले के डभौरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन से कट कर विगत 18 दिसंबर को महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने जवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला का पीएम कराया और अज्ञात शव होने के चलते उसे बरहुली ठकुरान गांव के जंगलों में दफना दिया, जिसके बाद समाचारों के माध्यम से महिला के परिजनों को उसकी जानकारी लगी, तब उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक टीम से महिला की पहचान की, परंतु दो दिन बीत जाने के बाद जब दफनाई गई लाश को निकालने के लिए प्रशासन के साथ परिजन पहुंचे तो वहां पर कोई लाश मिली ही नहीं तथा महिला का शव अचानक गायब हो गया, जिस पर अब महिला के परिजनों ने प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक उमरिया जिले की रहने वाली कविता वाधवानी अपने घर से 16 दिसंबर को लापता हो गई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और 18 दिसंबर के दिन डभौरा रेलवे स्टेशन में ट्रेन के कटने से उसकी मौत हो गई, जिस पर मौके से पहुंची पुलिस की टीम ने उसके शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया तथा बाद में अज्ञात लाश होने के चलते प्रशासन के द्वारा ही उसे दफना दिया गया था, परंतु दो दिनों बाद जब पहचान करके परिजन महिला की लाश लेने आए तो दफन स्थान से महिला की लाश गायब हो गई। वहीं पुलिस की टीम महिला की शव तलाश में जुट गई है। संदीप वाधवा है, निवासी उमरिया हूं। जैसे कि आज आपके प्रकरण, ये जवा थाने के अंतर्गत एक आपका प्रकरण आया, मेरी भतीजी उमरिया से 16 दिसंबर को लापता हो गई, जिसकी शिकायत मैंने उमरिया थाने में, उमरिया जीआरपी में व विभिन्न थानों में उमरिया के द्वारा भिजवाया। उनकी फोटो भी भेजी गई। दिनांक 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे भतीजे के साले के मित्र ने सूचना दी कि रीवा पेपर में एक फ़ोटो आई है महिला की, उस महिला की फ़ोटो आप लोगों की भतीजी से मिलती जुलती है। हमने उस फोटो को देखा तो हमें लगा कि वो हमारी भतीजी है। जब हम रीवा जीआरपी आए, रीवा जीआरपी में उन्होंने हमें विधिवत फ़ोटो दिखाए, कपड़े दिखाए, तो हमने उसको पहचान लिया कि हाँ, ये हमारी भतीजी है। उसके बाद हमने उनको सुपुर्दगी लेटर का आदेश दिया कि हमें शव दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चौथर SDM के पास जाइए, वहाँ हम लेटर भेज देंगे। हमने उस लेटर के द्वारा SDM महोदय से अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद माननीय तहसीलदार महोदय को उन्होंने अनुमोदित किया। तहसीलदार महोदय को लाने के बाद हम जिस जगह पे हमारी भतीजी को दफनाया गया था, पहली बात तो वहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था, दर्रा था नदी का, नदी के दर्रे में डाल दिया गया था। जब मौके पे माननीय तहसीलदार महोदय ने गड्ढे को, उसको दर्रे को खुलवाया, तो दर्रे में कोई लाश नहीं मिली। मौके पे इनका कहना है कि वहाँ खोपड़ी और ये है, चूँकि उस घाट पे शमशान घाट है, शमशान घाट होने के चलते वहाँ हजारों लाशों का जलना होता है, किसकी हड्डियाँ बरकरार हैं, किसकी क्या है, यह हमें नहीं मालूम। अब लोगों का ये कहना है कि वो खोपड़ी मिली, ये मिली, इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। हमें हमारी भतीजी की लाश चाहिए, जो मौके पे नहीं मिली। 3 दिन के अंदर लाश गायब नहीं हो जाती, इस विषय में काफ़ी चिंतनीय है। अब इसमें GRP ने क्या किया, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मौके पे पहुंचने के बाद जब लाश नहीं मिली तो माननीय तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया, जिसमें उन्होंने भी लिखा कि मौके पर लाश नहीं है लेकिन अवशेष पड़े हैं, जो कि सरासर झूठ है। जो कि वहाँ पे आप विधिवत, आप वीडियोग्राफी करवा लीजिए, वहाँ पे विधिवत वहाँ पे शव दाह संस्कार होता है। अब किसके हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है। वो उन हड्डियों की जांच करवाएं विधिवत मेडिकल के द्वारा। अगर वो हमारी भतीजी की लाश है तो 3 दिन के अंदर हमारी लाश कैसे हड्डियों में बदल गई, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो या तो इसमें GRP की सरासर लापरवाही है, या तो फिर हमारे यहाँ की सरकार की लापरवाही है कि वो लाशों को आवारा फेंक दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के द्वारा माननीय तहसील, मेरा नाम सुनील कुमार है। तो रिजोर जो आप दफन करने आए थे? जी हाँ। क्या कैसा था उस समय? बॉडी दे दी थे, हाँ, आए थे पुलिस वाले यहाँ तक, तो फिर वहाँ जैसे नाली का है ना, जो पानी निकलता है, दर्रा, हाँ, वहीं पे कर दिए थे, बॉडी को वहीं डाल दिए थे। और माटी ऊपर से पलटा दिए थे, बस हो गया। क्या उसमें 5 फीट का गड्ढा किया गया था? नहीं, पहले से था, 3 फुट था। 3 फुट था।
आप परिजनों के साथ घटना स्थल पर आए, तो आपको क्या मिला वहाँ पर? हमें पे जब जहाँ पे घटना स्थल में स्नान घाट में खुदवाए तो वहाँ पे शव नहीं मिला, आसपास हड्डियाँ मिली और उसके शव का कफन दफन का कपड़ा और एक चादर जो पहले से तलाश में उड़ाया गया था। तो इनको परिजनों को उनको नहीं मिली बॉडी वहाँ पे, मौके पे बॉडी नहीं मिली? नहीं, वही कफन दफन वाला कपड़ा और कुछ हड्डियाँ सिर की खपड़ी मिली।